नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने आज पूरे 30 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मौके पर हमारे पीएम दुखी हैं। मोदी ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर कहा है कि पिछली हर सरकार को कम से कम 100 दिन का हनीमून पीरियड मिला है, लेकिन उनकी सरकार को 100 घंटे भी नहीं मिले। मोदी इस बात से दुखी हैं कि उनकी सरकार पर तीसरे दिन से ही आरोप लगने शुरू हो गए थे। मोदी ने अपने ब्लॉग में पूछा कि 67 साल के मुकाबले एक महीना कुछ कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के एक महीना पूरे होने पर ब्लॉग लिखकर विरोधियों को निशाने पर लिया है। ब्लॉग में एक तरफ जहां पीएम मोदी का दर्द छलक कर सामने आया है, वहीं उन्होंने पिछली सरकार के साथ साथ मीडिया पर ये कहते हुए हमला भी किया कि उन्हें 100 दिन का हनीमून पीरियड भी नहीं मिला। 100 घंटे के भीतर ही उनकी आलोचना होने लगी। मोदी ने ब्लॉग में लिखा, हर सरकार को कुछ वक्त मिलता है जिसे मीडिया हनीमून पीरियड कहता है। पिछली सरकार के पास 100 दिन या उससे ज्यादा दिनों का हनीमून पीरियड था। मेरे पास ये सुख नहीं है। मोदी ने आगे लिखा, 100 दिन भूल जाइए, 100 घंटे में आरोप लगने लगे, लेकिन देश के लिए काम करने वालों को इसकी परवाह नहीं, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ और काम कर रहा हूँ। पिछली सरकार पर हमला करते हुए मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, पिछली सरकारों के 67 साल के मुकाबले एक महीना कुछ भी नहीं है। हमारी पूरी टीम ने हर एक पल लोगों के कल्याण के लिए काम किए हैं। एक महीने में मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने पिछले एक महीने में हुए विवादों का भी जिक्र किया है। पीएम ने लिखा कि बहुत से ऐसे विवाद हुए जिनका मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मोदी ने लिखा कि ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे चीजें सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचे। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। मोदी भले ही 30 दिन को कम मान रहे हों, लेकिन विपक्ष अभी से उन्हें नाकाम बता रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं मोदी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर क्या कहा है आज विपक्षी दलों ने, सुनिए। महंगाई बुलंदियां छू रही है, आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए रेल का किराया बढ़ाया जा रहा है, तो अच्छे दिन की जगह ये सरकार की जो कार्यशैली रही है वो तो आम आदमी का कचूंबर निकालने की रही है। बजट प्रस्तुत होने के पहले ही रेल किराया में वृद्धि, डीजल पेट्रोल रसोई गैस में वृद्धि, चीनी के दामों में वृद्धि, ये है मोदी सरकार की वादा खिलाफी को जाहिर करती है। सरकार के कामकाज के बारे में मैं सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये देश की जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। मोदी जी देश की जनता के आकांक्षाओं से प्रधानमंत्री बने हैं और वो एक अनुभव सिद्ध व्यक्ति हैं, क्योंकि वह एक राज्य में लंबे समय तक विभिन्न विषयों पर काम करके आए हैं, पर इसलिए उनकी योग्यता अनुभव सिद्ध है और उनके नेतृत्व में भारत बहुत आगे जाएगा। मोदी जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देश की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंचा दी हैं और इसीलिए उन्हें हर दिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मोदी उम्मीदों के इस बोझ से निपटने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। पीएम बनने के 30 दिन होने पर ब्लॉग लिखा तो अपना लेखा जोखा बताने के लिए एक वीडियो भी रिलीज कर दिया, देखिए। 30 दिन में क्या नहीं हो सकता है, सही निर्णय से सही नतीजा पाया जा सकता है। ये वीडियो कोई विज्ञापन नहीं है बल्कि मोदी सरकार की ओर से सरकार के एक महीने बीतने पर लॉन्च किए गए वीडियो का एक हिस्सा है। देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सरकार के 30 दिन बीतने पर न सिर्फ ब्लॉग पर लिखकर अपनी सरकारी उपलब्धियां गिनाई बल्कि YouTube पर सरकार की उपलब्धियों का वीडियो लॉन्च कर देश की नेक्स्ट जनरेशन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इसमें जमा काला धन लौटेगा अपने देश, इसी दिशा में उठाया प्रधानमंत्री ने पहला कदम, अपनी दीर्घ दृष्टि से किया SIT का गठन। शुरू से टेक्नो फ्रेंडली मोदी ने वीडियो में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही आने वाले कल की एक झलक भी दिखाई है, लेकिन इस वीडियो में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार का क्या रोड मैप है उसका कहीं जिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। भारत के विकास का गांधी परिवार के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत में पेश होने का आदेश दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में याचिका दाखिल करके कहा था कि गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन भेजा है। नेशनल हेराल्ड अखबार केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट ने जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में मोतीलाल वोरा और सैम पित्रोदा को भी समन जारी किया गया है। नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है, फ्रॉड से किया है, चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है। ये केस नेशनल हेराल्ड अखबार के कब्जे से जुड़ा हुआ है। अखबार कुछ साल पहले बंद हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस के पैसे से सोनिया राहुल ने यंग इंडिया कंपनी बनाई। सोनिया राहुल के पास यंग इंडियन के 38% शेयर, यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स का अधिग्रहण किया। कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ का कर्ज दिया। अधिग्रहण के बाद हेराल्ड हाउस को किराए पर उठाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सोनिया और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी की है क्योंकि नियम के मुताबिक राजनीतिक पार्टी के पैसे को कारोबारी गतिविधियों में खर्च नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए ये आरोपी बनते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार इनको आजीवन कारावास भी मिल सकती है या 7 साल की सजा भी मिल सकती है। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड के अधिग्रहण का फैसला इमोशनल फैसला था। इस अखबार की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने कर्ज के बदले ब्याज नहीं लिया है बल्कि नेशनल हेराल्ड को बचाकर राजनीतिक धर्म का पालन किया है। अभी तक कोई कागज हमें मिले नहीं है। 1 वर्ष पुरानी कंप्लेंट में सिर्फ समन्स हुए हैं। जब कागज मिलेंगे व्यापक रूप से हम उसके लिए पूरी कानूनी सलाह कर लेंगे, उसके बाद एक पुरजोर व्यापक जवाब दिया जाएगा। कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को 7 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक समन के खिलाफ अब कांग्रेस हाई कोर्ट में अपील करेगी। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, News 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस समय महंगाई से निपटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए आज भी मंत्रियों के साथ बैठक में मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। पीएम ने सभी राज्यों को संशोधन के साथ राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार लागू करने का आदेश दिया, साथ ही आलू सस्ता करने के लिए निर्यात मूल्य भी बढ़ा दिया। मोदी सरकार का आज 1 महीना पूरा हो गया है। अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आए पीएम नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। मोदी के मंत्रियों ने आज महंगाई को कंट्रोल करने के उपायों पर मंथन किया। मंत्रियों के साथ बैठक में मोदी ने कई बड़े फैसले किए। बुलाई गई और उसमें निर्णय हुआ कि 3 महीना और इसको क्या कहते हैं बढ़ाया जाए और राज्य सरकार से आग्रह किया जाए कि राज्य सरकार 3 महीने के अंदर में इसको अपने अपने राज्य में लागू करने का कष्ट करें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में कृषि मंत्री राधा मोहन को जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं आलू की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए आलू की निर्यात ड्यूटी बढ़ा दी गई है। निर्यात ड्यूटी बढ़ने से आलू की कीमतों में कमी आने के संकेत हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी राज्यों को संशोधन के साथ भोजन का अधिकार लागू करने का निर्देश दिया है। मनीष कुमार, दिल्ली, News 24। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार का काफी विरोध हो रहा है और इसी बीच मोदी के श्रम मंत्री नरेंद्र तोमर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने जनता के जले पर नमक छिड़क दिया है। श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कह दिया कि जब तक पब्लिक की जेब से पैसा निकलेगा नहीं तब तक सरकारी खजाना भरेगा कैसे। तोमर का ये बेतुका बयान हैरान करने वाला है, जबकि खुद पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों और सांसदों को नसीहत दे चुके हैं कि वो अपनी जुबान काबू में रखें। आप भी सुनिए मोदी के मंत्री का बेतुका बयान। ये कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता थी और जो वापस लिया जा सकता था उसको सरकार ने वापस भी लिया। इन्हें सब पर ही बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि किराया बढ़ेगा तो असर नहीं पड़ेगा। असर तो पड़ेगा ही, असर पड़ेगा तब तो सहकार होगा। जब जेल से पैसा निकलेगा तब तो सरकार के खजाने में जमा होगा। हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के बाद इस बार संतोषी माता को निशाने पर ले लिया है। शंकराचार्य ने 3 दिन पहले कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं थे, इंसान थे और उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। आज उन्होंने कह दिया कि संतोषी माता हिंदी फिल्मों की उपज है। साईं बाबा के खिलाफ विवादास्पद बयान देने वाले द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अब करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक संतोषी माता पर बोला है तीखा हमला। घर घर संतोषी माता हो गई थी, सिनेमा वालों ने प्रोजेक्ट कर दिया था
कि संतोषी माता का हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। अब देखिए संतोषी माता का नाम नहीं ले रहे लोग। साईं बाबा के खिलाफ जहर उगलने वाले शंकराचार्य ने संतोषी माता पर निशाना साधते हुए कहा कि संतोषी माता का कोई वजूद ही नहीं बल्कि वो फिल्मी दुनिया की उपज है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने एक बार फिर से साईं बाबा के खिलाफ बयान दिया, साथ ही साईं भक्तों को पवित्र होने का नुस्खा भी बताया। तो सबसे पहले तो वो एक निर्जला एकादशी का उपास करें, पानी न पिए और गंगा स्नान करें और उसके बाद कभी उसका नाम न लें। साईं पर बड़ा हमला करते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद ने कहा कि लोगों के दिल से साईं का डर निकालना होगा। सब झूठ बात, डरने की जरूरत नहीं, डरने की बात नहीं। किस चीज़ से? साईं बाबा और संतोषी माता के खिलाफ बेतुकी टिप्पणी करने वाले शंकराचार्य के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा है। कई शहरों में शंकराचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ केस तक दर्ज हो चुका है। सवाल उठता है कि क्या लोकप्रियता पाने के लिए शंकराचार्य इस तरह के बयान दे रहे हैं। हरिद्वार से पंकज कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है उनका ड्राइवर, जिसे रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शाहरुख के ड्राइवर ने एक हीरोइन के घर काम करने वाली नौकरानी को लालच दिया कि वो उसकी नौकरानी शाहरुख खान के घर पर लगवा देगा और इसी झांसे में लेकर उसने नौकरानी से रेप किया। माया नगरी मुंबई में सामने आया है एक सनसनीखेज मामला। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के ड्राइवर पर एक बड़ी अभिनेत्री के घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि ड्राइवर राजेश ने नाबालिग नौकरानी को किंग खान के घर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। दरअसल पीड़ित नाबालिग नौकरानी मुंबई में ही एक अभिनेत्री के घर में काम करती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले अभिनेत्री ने नौकरानी को हटाने की बात कही तो नौकरानी ने ड्राइवर राजेश से संपर्क किया। नौकरी छूटने के बाद ड्राइवर ने पीड़ित को एक गेस्ट हाउस में रखा और उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन जब कुछ दिनों बाद नौकरानी को लगा कि ड्राइवर राजेश उसे केवल झांसा दे रहा है तो वो भाग निकली और थाने में रेप की FIR करा दी। आरोपी का नाम राजेंद्र कुमार गौतम उर्फ पिंटू मिश्रा कर, वो अभी इंक्वायरी चालू है, उसके बारे में मुझे अभी तो उसको कोर्ट में लेके जाने है, बाद में इंक्वायरी करेंगे। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और रेप की पुष्टि होने पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दीपक के साथ बलवीर वैद्य, मुंबई, न्यूज 24। मथुरा में एक सीनियर सरकारी अफसर को नाबालिग नौकरानी के साथ रेप की कोशिश करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। राज्य के सेल्स टैक्स विभाग में जनाब सीनियर पद पर हैं और कई दिनों से इनकी काली नजर इस नौकरानी पर थी, लेकिन जब वे लोगों के हत्थे चढ़ गए तो मीडिया कैमरों के सामने कहीं के नहीं रहे। थप्पड़ और चप्पल से सरेआम पिटते ये जनाब लोफर, गुंडा या मवाली नहीं बल्कि यूपी के मथुरा में तैनात असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर हैं। नाम है सुरेंद्र चतुर्वेदी। असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर सुरेंद्र चतुर्वेदी मथुरा के पौश इलाके श्री जी धाम कॉलोनी में रहते हैं। इनका परिवार नोएडा में रहता है। अफसर सुरेंद्र पर इनके घर में काम करने वाली नाबालिग नौकरानी ने संगीन इल्जाम लगाया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने चीख मार दी, तो पता नहीं लॉक बॉक खोल दिया, मैंने चद्दर ओढ़ रखी तो बोला कि इसे हटा रही है कि पिटेगी। अभी नाबालिग नौकरानी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने दोस्तों के साथ इसके साथ रेप की कोशिश की थी, इसके बाद इसने काम छोड़ दिया था। आरोपी कमिश्नर ने नाबालिग को पैसे का हिसाब करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने ये हल्ला मचाया था, इस बुड्ढे ने हम पकड़ लिए, इसीलिए गेट मैन को लेकर हम चार पांच आदमी गए थे, गेट तोड़ा था, वहाँ गेट तोड़ते समय लड़की देखी थी, लड़की के कपड़े हुए बुरी तरह से फटे हुए थे, ये बुड्ढा अपने चड्डी बुनियान में पड़ा हुआ था। और मथुरा पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि मामला वाकई छेड़छाड़ से जुड़ा है या फिर आरोप के पीछे पैसों का लेन देन है। लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज 24। दिल्ली यूनिवर्सिटी और UGC विवाद में आज भी छात्रों के प्रदर्शन जारी रहे, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि मामले के जल्द सुलझने के संकेत भी मिले। आज DU ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि वो ग्रेजुएशन के ऑनर्स कोर्स फिर से 3 साल करने को तैयार है। इस पर एक प्रस्ताव उसने UGC को भेजा है जिस पर जवाब का इंतजार है। संकेत तो यही है कि DU के कॉलेजों में एडमिशन जल्द ही शुरू हो सकते हैं।
फिर। लाखों दिलों की धड़कन सिने स्टार माधुरी दीक्षित को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। माधुरी को सरकार और यूनिसेफ की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची माधुरी ने इसके लिए शिवराज सरकार को धन्यवाद दिया। माधुरी ने कहा उनकी पूरी कोशिश होगी महिलाओं और बच्चों के लिए किए जा रहे इस कार्यक्रम में वो अपना पूरा सहयोग दे सके। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले मुसाफिर अब बिना ट्रेन बदले केंद्रीय सचिवालय से सीधे मंडी हाउस जा सकेंगे। आज से इनके बीच मेट्रो सेवा बहाल हो गई है। केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस पहुंचने के लिए पहले राजीव चौक पर ट्रेन बदलनी पड़ती थी। 3 किलोमीटर लंबे इस अंडरग्राउंड सेक्शन पर केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस के बीच जनपथ स्टेशन है। दो दिन बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी ये 28 जून से ही शुरू होगी, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से एक रास्ता बंद है, इसलिए फिलहाल आप एक ही रास्ते से वहां जा पाएंगे। हर साल की तरह शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा इस बार 28 जून से शुरू होगी। इस बार की यात्रा की खास बात यह है कि शुरुआती दिनों में यात्रा सिर्फ बालटाल के रास्ते से ही शुरू होगी। ज्यादा बर्फबारी की वजह से पहलगाम के रास्ते यात्रा कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल 3 दिन के लिए हमारी यात्रा जो है जो कि शुरू होनी थी दोनों तरफ से 28 तारीख से, वो 3 दिन के लिए पहलगाम के रास्ते जो यात्रा जाती है वो नहीं होगी और यात्रा सिर्फ बालटाल के रास्ते से की जाएगी। भारी बर्फबारी की वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। हमारा सारे अरेंजमेंट बंदोबस्त पूरा हुआ है, हमें जितना फोर्स की जरूरत है वो सारे फोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल किया। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस काफी हमारा डिस्पोजल पे रखा गया। श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रियों से अपील की है कि वो असुविधा से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर ही यात्रा पर जाएं। 28 अगस्त से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 21 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।